हेलो यूट्यूबर्स, थोड़े टाइम पहले मैंने एक और बाइक बनाई थी, अब एक और बाइक बनाई है। मतलब टेक्निकली सेम ही है बट उसका डिज़ाइन चेंज कर दिया है क्योंकि मैं बोर हो गया था उस वाले डिज़ाइन से। तो हमारा जो लुक है, ये वाला लुक, वो ऐसा है। फर्स्ट फ्रंट का लुक कुछ इस टाइप का है। ओवरव्यू कर लेते हैं। ये देखो, मैं चारों तरफ से दिखाता हूँ। पहले आपने फ्रेंड से बताना कमेंट में कैसी लग रही है। ये सारी मेरी क्रिएशन है, मैंने ही सोचा, मैंने ही किया और करवाया क्योंकि कुछ टाइम के बाद मैं थक गया था। अब मैं बताता हूँ इसमें क्या क्या करवाया। तो सबसे पहला पीछे से शुरुआत करता हूँ। पीछे से FZ का सारा जो पिछौड़ा होता है वो सारा हमने काट दिया। सारा काटने के बाद मैंने सोचा था यहाँ पे कुछ टेल बनाऊंगा, इसको भी काटूंगा, बट ये काट नहीं सकते क्योंकि इसमें लॉक है। फिर मिट्टी ऊपर ना उड़े बारिशों में, इसलिए मैंने मदगार्ड लगाया, ऐसे ही जेनरिक सा मदगार्ड है। फिर साइड पैनल हटाएं, टेल हटाई। ये जो लाइट देख रहे हो आप, ये मेरी डिज़ाइन की भी लाइट है। फिर मैंने किया कि ये सीट कवर इसका टैन बनवाया, सीट को फ्लैट करवाया। ये नॉर्मल सीट नहीं है, फ्लैटेड सीट है, तो इसको मैंने फ्लैट करवा दिया। फिर मैंने दो अच्छे अच्छे से शीशे ढूंढे, जो शीशे लगे। फिर ग्रिप्स ली, ये लगाए। फिर लीवर्स लगाए, लीवर्स को काटा आधा, फिर ये काटा। सबसे बड़ी और मेन चीज़ इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आई वो ये आई, यहाँ पे मीटर होता है, यहाँ पे हेडलाइट होती है, इतनी बड़ी होती है। उसके ऊपर ये वाला वाइज़र होता है जिसके अंदर ये मीटर लगा होता है इधर नीचे। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इस चीज़ में आई कि इस चीज़ को कैसे मैनेज करें। या तो उसको हटा दो, या फिर अगर इसको रखना है तो फिर अच्छे से बनाओ, जैसे कि ये वाला लुक आया हमें, ऐसा वाला लुक दूर से देखने पे कि हाँ भाई कोई गाड़ी का ही डैशबोर्ड है और टाइप्स मतलब बिल्कुल सिंक है आपस में डिज़ाइन। ये देखो, आपस का डिज़ाइन बिल्कुल सिंक है। तो फिर मैंने थोड़ा सा दिमाग चलाया तो मेरे को लगा लाइट तो हटा देते, लाइट की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास दो इतने बड़े बड़े पीस नहीं थे, एक इधर, एक नीचे, एक उसके नीचे, बहुत है लाइट। और सिटी के अंदर इतनी ज़्यादा जरूरत भी नहीं है, ऑफिस आने जाने के लिए है बस, कि ट्रैफिक में नहीं फंसूँ मैं, वरना मैं गाड़ी से ही आऊँगा अगर ट्रैफिक नहीं होगा तो। तो मीटर हटाया, थोड़ा फोड़ी करी, काटा इसको। फिर ये जो मीटर था इसको एक जुगाड़ के जरिए यहाँ पे सेट किया इसको, पहले सेट ही नहीं हो रहा था, पहले ऐसा सा हो रहा था ऊपर की तरफ और इतना चीप लग रहा था वो, जैसे मेले में चलाने वाली गाड़ी है। फिर इसको सेट किया, नीचे किया, इसको बिठाया, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। फिर हमने क्या किया, ओरिजिनल फिटिंग ली, ओरिजिनल फिटिंग लेके उसके ऊपर ही ये वाइज़र लगा दिया। अब ओरिजिनल फिटिंग का वाइज़र लगाना मुश्किल था क्योंकि फिटिंग और बनानी पड़ती, तो हमने उसकी जगह दो पत्तियाँ यूज़ करी नीचे। फिर इसको ऐसे करके बिठाया, अब फिर दो लाइट्स लगाई, फिर नीचे ये वायर जो दिख रही हैं, अब देखो अब दिख रही होंगी, ये जो वायर जो दिख रही हैं ये मैलेज नहीं हो पाई तो इसको ऐसे ही छोड़ दिया। तो ये थोड़ा मीन लुक दे रही हैं, ऐसी बात नहीं है, लुक मीन ही दे रही हैं। फिर मैंने सोचा अब क्या किया जाए, तो बिल्कुल ब्लैक मैंने की थी इसको, पूरी टोटल ब्लैक। इसके ऊपर अभी कोई ग्राफिक नहीं है क्योंकि फिनिशिंग का काम अभी बचा हुआ है, अभी फिनिशिंग का काम इसमें होना है। तो मैंने इसको पूरा ब्लैक कराया, ब्लैक करवाने के बाद में
फिर समझ में आया कि यार इसमें थोड़ी चंकीनेस की कमी है, कि थोड़ा सा तो कुछ ऐसा एक एलिमेंट हो जिससे कि थोड़ा चंकी लगे, वरना टोटल ब्लैक हो जाएगी तो फिर मज़ा ही नहीं आएगा मार्केट में। फिर मैंने ये एक रिम अगला रेड करवा दिया, तो इससे क्या हुआ कि आपकी बाइक ब्लैक के साथ में एक रेड कलर का एलिमेंट जुड़ गया, तो कंट्रास्ट क्रिएट हो रहा है। क्योंकि मैं डिज़ाइनर हूँ तो मेरे को ये कंट्रास्ट का पता था, कोई नॉर्मल बंदा होता तो शायद नहीं पता होता उसको। अब जो बात आती है वो आती है इसकी कॉस्ट की, कि क्या कितना कितना क्या क्या हुआ, तो वो आप मुझसे इंडिविजुअली कमेंट में पूछ सकते हो अगर आपको पता करना है कि भाई कितने कितने खर्चा हुआ, क्या क्या खर्चा हुआ, कैसे कैसे तूने किया और कैसे हम कर सकते हैं। बाकी मैं एक बात बता दूं कि दिल्ली NCR में सारे दुकान वालों ने, जिसके पास भी मैं गया काम करने वालों में, उन्होंने मुझसे यही कहा कि भाई ऐसी FZ नहीं बनाई किसी ने, मतलब घर के अंदर, तो लोगों ने बनवा ली है FZ, क्या लोगों ने पता नहीं कौन कौन सी बाइक बनवा ली, लेकिन उसमें डब्बे ऊपर लगवा लिए हैं, लेकिन हमने ये सारा फैक्ट्री का सामान रखा है, उसको वैसी खूबसूरती दी है जैसी वो फैक्ट्री से निकलते वक्त होती है। फैक्ट्री की चीज़ें यूज़ करी हैं ज़्यादातर, मतलब जो कंपनी देती है वही सब कुछ यूज़ किया, बस थोड़ा बहुत अपना दिमाग लगाया। जैसे डेविडसन जब स्टार्ट हुई थी या जब वो बाइक्स बेचना शुरू कर रही थी, तो वहाँ पे कस्टम बाइक ज़्यादा बिक रही थी जो कि और लोग बनाए थे, जैसे इंडियन वगैरह, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर भी यही सीन हुआ था, इंडियन की डील पूरी नहीं हो रही थी। ये आप सब कुछ हिस्ट्री चैनल पर देख सकते हो, वैसे पूरी जो स्टोरी है वो ये कि हार्ली डेविडसन पहले दबरा था, क्योंकि हार्ली डेविडसन सिर्फ मोटरसाइकिल बना रहा था, शौक नहीं बना रहा था। और इंडियन क्या कर रहा था, इंडियन बहुत सारी चीज़ें ऐसी दे रहा था जो कि लोगों को इम्प्रेस कर रही थी, उसके डिज़ाइन ऐसे हो रहे थे जो कि अच्छे लग रहे थे। मैं मेन बेस पे आता हूँ, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है वही है कि हार्ली डेविडसन में बाद में लोगों ने ट्रिम करना शुरू कर दिया था, बाइक को चॉप करना शुरू कर दिया था, तभी चॉपर्स बनी थी। तो चॉपर्स आज की डेट में हम बाइक देखते ना, लंबी सी होती हैं, चौड़े व्हील्स होते हैं, अगला टायर पतला होता है, तो हैंडल उठे हुए होते हैं, उनको चॉपर्स बोलते हैं। चॉपर्स बेसिकली एक किसी डिज़ाइन को, पर्टिकुलर डिज़ाइन को नहीं बोला जाता, जैसे हम लोग समझते हैं एक चीज़ कि चॉपर वही है जो क्रूज़र होती है और कस्टमाइज टैंक्स होते हैं और उनको ही चॉपर्स बोलते हैं, ऐसा नहीं है। चॉपर्स बनी ही थी एक स्टॉक बाइक को, हार्ली डेविडसन स्टॉक बाइक का सारा अनवांटेड सामान जो था वो सारा निकाल दिया था, तो उसको वो लोग चॉपर बोलने लगे थे। तो लेकिन हम ऐसी बाइक्स के अंदर चॉपर वर्ड यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि सूट नहीं करेगा इनको, ठीक है, क्योंकि तो इनको हम यार्ड बिल्ड बोलते हैं। यार्ड बिल्ड मीन्स कि आपने घर में ही बनाई है, अपने घर के पीछे बनाई है। मैंने भी थोड़ा सा ऐसे ही सोचा कि कंपनी का सामान रख दूँ और कंपनी के सामान के साथ में जितनी खूबसूरती हो सके उतनी ला के दिखा दूँ अपना। थोड़ा मैं प्रोफेशनली अगर डिज़ाइनर हूँ तो थोड़ा सा उसको मैकेनिकली भी करके देखते हैं कि क्या होता है, कैसे होता है। चलो बस इतना ही था, और बाइक अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बाकी बहुत सारी चीज़ मैं ऐसी करता रहता हूँ टाइम पास के लिए, कभी अपनी कार में, कभी अपनी बाइक में, कभी अपनी दूसरी बाइक में, कभी अपने घर की चीज़ों को ले लेके, तो वो भी देखने को मिलेगा। और काफ़ी कुछ होता है, मैं घूमता फिरता भी रहता हूँ तो वहाँ के भी मैं वीडियोज़ डालता हूँ। कोई मेरा पर्टिकुलर चैनल नहीं है, मेरे चैनल का नाम है टिंकू मून। और लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, जो भी हो सके कर लो। अगर अच्छा लगे या फिर कुछ पूछना चाह रहे हो तो मेरे से कमेंट में पूछना, मैं हर एक चीज़ बता दूँगा आप लोगों को, ठीक है। ओके बाय।